तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम आपको आज सिखाने वाले हैं पतंग के कन्ने कैसे बांधे जाते हैं। तो ये रही हमारी पतंग, और ये हमने एक सीख की डंडी ले ली। तो ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एक गड्ढा करा जाता है, एक गड्ढा यहाँ करा जाता है ताकि पतंग का बैलेंस ना बिगड़े, ये बंध जाए इससे। और जो दूसरा बांधा जाता है, एक हाथ का फासला होता है यहाँ तक का, दो यहाँ पे गड्ढे बांधे जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, एक गड्ढा करा हमने यहाँ पे, ठीक, दूसरा गड्ढा करा हमने यहाँ पे। और हमने क्या कहा था, एक हाथ का फासला होता है जितना हमारा ये हाथ होता है यहाँ तक, ठीक है। एक ये दो गड्ढे हो गए, ये देखिए एक हाथ का फासला हो गया। तो धागा हमने पहले निकाल के रख रखा है, ये धागे को हमने कर लिया डबल। ये यहाँ पे डालो दूसरा, यहाँ से डालो, ये गांठ मारी, ये दूसरी मार दी, ये ले जाके पूरा बराबर करके धागे को, यहाँ से और यहाँ पर मार दिया। दो गांठ बन गई, ठीक है। अब ये गांठ मैंने इतनी ही दूरी पे क्यों मारी, ये मैं यहाँ पे भी मार सकता था। यहाँ पे मारे जाते हैं जब हवा तेज होती है, और इतना पीछे होता है जब नॉर्मल हवा होती है, और ज़्यादा बिल्कुल भी हवा नहीं है तो थोड़ा यहाँ तक कर दो बस, इससे ज़्यादा पीछे नहीं करने है ना। अगर हम ज़्यादा आगे कर देंगे, हवा तेज है तो ढंग से अच्छी नहीं लगेगी खींच। नॉर्मल रखिए एक हाथ का फासला, और पतंग देखिए फिर कैसे चलती है। ये हमने ऐसे करा, इसको इक्वल लेना है, इक्वल से थोड़ा सा आगे, अगर हम ज़्यादा पीछे कर देंगे तो पतंग को उड़ाने में दिक्कत होगी, है ना। ये देखिए पीछे हो गया, ये सेंटर में हो गया, थोड़ा सा आगे आगे बस। इसको इतना बांध के रखिए, ये देख रहे हैं इतना हो गया, हवा नॉर्मल है, इतना रखिए बस, ज़्यादा नीचे भी नहीं बांधना है कन्ने के, इतने बांध दे, इतना नहीं करना, इतना हो यहाँ तक बांध के, ये कन्ने बांध दीजिए। ये हो गया हमारा मांझा, ये हमने कन्ने बांध दिए है ना। ध्यान रहे हवा तेज है तो इतने रखने हैं कन्ने, ज़्यादा पीछे कन्ने नहीं रखने, नॉर्मल रखे कन्ने बस। धागा बांध दीजिए, बन गए आपके कन्ने। तो आइए अभी हम टेस्ट करते हैं पतंग उड़ा के, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो मैं भूल गया आपको बताना, ये जो पतंग है अभी इसका तिल्ला है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये देखिए पतंग क्या है, मुड़ी हुई नहीं है। इसको हम ऐसे मोड़ना है ना, ऐसे तो मुड़ेगी नहीं है, मुड़ तो जाएगी लेकिन वो वाली बात नहीं आती है। तो इसको उठा पकड़ के सीधे हम अपने यहाँ पर लगा लेंगे सर पर, ऐसे करके मोड़ना है इसको, ठीक है, बस ये मुड़ गई, बस ख़त्म पतंग। अब देखिए, अब ये सीधी गिरेगी नहीं, अब ऐसे के ऐसे ही रहेगी, गिरेगी नहीं नीचे पतंग। अगर हम मोड़ देंगे तो हम जैसे चलाएंगे पतंग वैसे ही चलेगी,